माफिया और कोई अपराधी सरेआम किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता, गुंडा टैक्स नहीं वसूल कर सकता, चौक नहीं वसूली कर सकता। हर व्यक्ति को मालूम है अगर कोई जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा तो व्यापारी भले ही व्यापारी की बोली ना निकले लेकिन पुलिस की बोली जरूर वहां पर उस अपराधी के लिए जरूर निकलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिकंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। खबर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में वहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अपनी कार्य प्रणाली हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो उसके बारे में हर मंचों से बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से अपराधी भागे भागे फिर रहे, अपनी जान बचाते फिर रहे। पहले योगी आदित्यनाथ की ये बयान सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। माफिया और कोई अपराधी सरेआम किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता, गुंडा टैक्स नहीं वसूल कर सकता, चौक नहीं वसूली कर सकता। हर व्यक्ति को मालूम है अगर कोई जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा तो व्यापारी भले ही व्यापारी की बोली ना निकले लेकिन पुलिस की बोली जरूर वहां पर उस अपराधी के लिए जरूर निकलेगी। तो सुना आपने, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद में अपराधियों की मजाल नहीं है कि किसी को धमका दे, किसी को डरा दे, किसी से रंगदारी वसूल ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रशासन को खुला छोड़ा गया है कि जहां अपराधी दिखे उसे क्या करो, गोली मार दो। यानी सफाई अभियान चलाया गया अपराधियों को मुक्त करने के लिए, अपराध मुक्त करने के लिए प्रदेश को। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन कई घटनाएं होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कहानी कुछ अलग ही है। किससे, यानी हमारे प्रधान सेवक के जुबान पर, गृह मंत्री अमित शाह के जुबान पे, योगी आदित्यनाथ के जुबान पे। उत्तर प्रदेश में ना किसी महिला के साथ बलात्कार किए जाते हैं, ना किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होता है, ना ही किसी का मर्डर होता है, ना ही किसी को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मौत के घाट उतारती है। वो खबरें जो आती है वो सब झूठी होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे प्रधान सेवक भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया है, आपको उस चश्मे से दिखाया जाता है, उस दूरबीन से दिखाया जा रहा है जिस दूरबीन में हमारे अमित शाह देखते हैं, जिस दूरबीन से हमारे प्रधान सेवक देखते हैं, जिस दूरबीन से योगी आदित्यनाथ देखते हैं, उस दूरबीन में सब कुछ एकदम चकाचक और बढ़िया दिखता है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में दो वीडियो हम आपको दिखाएंगे और आप खुद सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का पालन कैसे किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे किए जा रहे हैं। आप उन वीडियो को देखिए, बताइएगा मुझे कमेंट करके, लेकिन मैं भी बात करता हूं इस पे। एक पहली वीडियो दिखाता हूं आपको, मथुरा की है। मथुरा में 144 लगाया गया था, यानी 144 धारा लगाया गया था। इसके तहत यह कहा जाता है कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हजारों की संख्या में लोगों को वहां पर इकट्ठा कर लेते हैं, भीड़ जुटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे शाही ईदगाह मस्जिद को गिराना है, वहां पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति को शाही ईदगाह मस्जिद में रखना है। एक 144 धारा लगा हुआ है, यानी कानून को तोड़ना वहां पे जुर्म होता। 5 लोग से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे हो जाते तो अपराध माना जाता। शायद हो सकता है कि दूसरे समुदाय के लोग होते तो योगी आदित्यनाथ का चाबुक चल जाता, बुलडोजर चल जाता, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, सम्मानित जनता भी है जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए वहां पे मौजूद है। खैर, ये रही मथुरा की वीडियो। दूसरी वीडियो उसी उत्तर प्रदेश की लखनऊ की दिखाने जा रहा हूं आपको। लखनऊ की वीडियो है, प्रदेश की राजधानी है, जहां हमारे योगी आदित्यनाथ का आलिशान महल भी होगा, जहां पे मंत्री, विधायक, सांसद सब मौजूद भी होंगे, क्योंकि देश राजधानी है और राजधानी में प्रशासन व्यवस्था चाक चौबंद होती है, पुलिस गश्ती करती है, और वहां पे अपराध हो जाए तो सोचिए कि देश प्रदेश का माहौल कैसा है। लेकिन उसी लखनऊ में एक शख्स को अपनी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने वालों से अपनी पत्नी को बचाना महंगा पड़ गया, यानी
उसकी पत्नी के साथ कुछ मनचले, कुछ गुंडे बदमाश छेड़छाड़ कर रहे थे। उस युवक ने उसको रोका, उन्हें रोका, दबंगों ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। वीडियो में आप देख रहे हैं कि अस्पताल में वो युवक भर्ती है, एक शख्स और खड़ा है जिसके पीठ पे खून का धब्बा है, खून लगा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की वीडियो है। उसको लहूलुहान कर दिया गया, उस युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका गुनाह सिर्फ इतना था, उसका जुर्म सिर्फ इतना था, वो अपनी पत्नी की सुरक्षा कर रहा था। उसकी पत्नी के साथ मनचल्य गुंडे छिछोरे बदमाश छेड़छाड़ कर रहे थे। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में, जहां दूरबीन लगाकर हमारे प्रधान सेवक गृह मंत्री अमित शाह देखते हैं अपराधियों को, उस दूरबीन में कहीं नजर आ रहे हैं अपराधी? आप खुद सोचिए। उत्तर प्रदेश में कहीं गुंडा ही नहीं है, ना ही किसी के साथ छेड़छाड़ होता है। यह भी खबर शायद गलत होगी, लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, यह भी हो सकता है। डिफेंड करने आ जाएंगे हमारे मंत्री साहब, योगी आदित्यनाथ साहब, और झांसा देंगे, आप भी झांसे में पड़ जाइएगा। खैर, दो वीडियो आपको हमने दिखाई, दोनों उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश में कानून का पालन कैसे किया जा रहा है ये आप इन दोनों वीडियो में देखिए। कथनी और करनी में अंतर क्या है, आप खुद सोचिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।